जन बोल चैनल वालों को भी बहुत बहुत बधाई, आप मीडिया वालों की वजह से भी बहुत राहत मिला है। जनता का आंदोलन सफल रहा। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पर आपको जीत भी लिया, क्या कुछ कह रहे हैं? हम लोग यहाँ तो पहले कूड़ों का ढेर लगा रहता था, जिस पर मृत पशु पक्षी जानवर बहुत सारे यहाँ गिरा दिए जाते थे, फेंक दिए जाते थे, जिससे बहुत बदबू और बहुत कठिनाई आती थी, नगाड़ी कुछ नहीं चल पाता था, कूड़ा का ढेर देख कर ही सब लोग दूर दूर से चले जाते थे। यहाँ पहले बहुत चहल पहल रहता था, जब से कूड़ा डंपिंग शुरू हुआ है यहाँ पे गिरना कूड़ा वगैरह बहुत कठिनाई होने लगी है। लगातार आंदोलन के बाद आज सफलता मिली है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं, जिससे बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है आज। इसके लिए हम लोग श्री दीपक कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपकी जन बोल चैनल वालों को भी बहुत बहुत बधाई, आप मीडिया वालों की वजह से भी बहुत राहत मिला है, आप लोग का सहयोग लगातार बना रहा है। परिचय मैम, कोमल कसेरा। जो बनाया गया था यहाँ पर, यहाँ के पूर्व पार्षद विधायक क्षेत्रीय उन लोग से बार बार हम लोग इसके लिए पूरा डंपिंग यार्ड हटवाने के लिए पूरे यहाँ पर का संदलपुर विश्वमान कॉलोनी अलका कॉलोनी अगम कुआं शीतला माता मंदिर तुलसी मंडी के लोग बराबर प्रयास करते रहे, मगर उन लोग के तरफ से हम लोग का कभी भी सुनवाई नहीं हुआ और कोई सहयोग नहीं मिला। और आज हम लोग 3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए जो आम जनता एकत्रित हुआ, इसके लिए जो है यहाँ के मीडिया प्रभारी जो हमारे मुख्यमंत्री के कान में पहुँचाया गया, जिससे कि आम नागरिक को बीमार होने से बचाया गया और कूड़ा डंपिंग यार्ड हटवाने के लिए यहाँ से जो है बराबर लगातार अभी ढुलाई हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री की बात को पटना नगर निगम और प्रशासन के लोग मानेंगे और यहाँ मुख्यमंत्री की बात को मानते हुए यहाँ से कूड़ा डंपिंग यार्ड हटाया जाएगा। और हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर ये सारे लोग जो हैं इसके लिए एक पार्क बनवा दिया जाए, ताकि जो है MRI में आने जाने वाले को, विश्वमान कॉलोनी वाले को, सारे लोग को, बच्चे लोग का खेलने का एक स्थान मिल जाएगा, जिससे कि जो है सुंदरता बढ़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो कूड़ा और ये इसके लिए हटाने के स्वच्छता अभियान चलाया गया है, उसको भी बल मिलेगा। इसके लिए मीडिया वाले लोग को हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री को बधाई। परिचय सर? परिचय गिरिजा शंकर प्रसाद, समाधि कार्य। जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने अगम कुआं विश्वमान गोलंबर पास जो पूरा डंपिंग पॉइंट जो बना था, लगातार हम लोगों ने 2016 से आंदोलन पर हम लोग उतरे हैं। अब हम लोग का यही मांग था कि पूरा डंपिंग पॉइंट यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आम को बहुत दिक्कत होती है। शीतला माता मंदिर में RMRI मंदिर है, तमाम मतलब बड़े पैमाने पर यहाँ कॉलोनी है, बड़े स्कूल कॉलेज है, यहाँ पर स्कूल है, ITI भी है बगल में, उसको बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन हम लोग आंदोलन हमेशा करते रहे, इसके लिए मेयर को भी घेराव किए, नगर निगम को घेराव किए, स्थानीय विधायक को भी मामले टिमेट दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना देने का काम किया 14 तारीख से, तो 14 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि यहाँ से कूड़ा डंपिंग केंद्र को हटाया जाए, कूड़ा अभी यहाँ नहीं गिरेगा। मैं उनको साधुवाद देता हूँ मोर्चा के तरफ से और आप खासकर मीडिया भाइयों की तरफ से, आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं आप लोगों को कि आपने बहुत अच्छा मतलब जो है कि इशू को लेकर आप लोगों ने चलाया और जनता की आवाज को आप लोगों ने जनता के बीच में रखा और कूड़ा डंपिंग केंद्र यहाँ से हटने की अब बात हो गई है, नीतीश जी ने घोषणा कर दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नाम सर? उमेश पंडित, जन संघर्ष मोर्चा महासचिव। कई दिनों से आंदोलन चल रहा था, वो सफल हो गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कई दिनों से नहीं, कई वर्षों से हमारा आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन जन संघर्ष मोर्चा जनता के सहयोग से चला रही थी। इसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग था जन संघर्ष मोर्चा के इस आंदोलन को सफल बनाने में,
और खास करके जो मीडिया कर्मी, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हों, जो चौथे स्तंभ का जो कर्तव्य होता है मीडिया का, उस कर्तव्य को मीडिया भाइयों ने, मीडिया दोस्तों ने एकदम ईमानदारी से निर्वाह किया है। इसलिए हम मीडिया के भाइयों को, नागरिकों को धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ साथ यह जो एक नरक बन गया था पूरा इलाका इस पूरा डंपिंग केंद्र के कारण, यह जो संपर्क पथ है एक एक अगमकुआ के नागरिकों का, सुमान के नागरिकों के बीच संबंध जो था वो टूट गया था। पूरा मार्केट प्रभावित हो रहा था। NMCH, RMI जैसा रिसर्च सेंटर, शीतला माता का मंदिर जैसा ऐतिहासिक मंदिर, ये सारे लोग परेशान थे। ऐसे स्थिति में जन संघर्ष मोर्चा विगत 3 वर्षों से आंदोलन चला रहा था जन सहयोग से। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जनता के इस दुख दर्द को माननीय मुख्यमंत्री ने समझा और समझ करके यह जो निर्णय लिया कूड़ा का ढेर हटाने का। अभी यहाँ पर एक संशय है, वो संशय क्या है कि हम लोग डंपिंग केंद्र हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि कूड़ा का ढेर हटाया जाए, सफाई किया जाए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ हम यह भी मांग करते हैं कि यह जो डंपिंग प्वाइंट है, इस प्वाइंट को हटाया जाए और यहाँ एक सुंदर गार्डन बनाया जाए, और उस गार्डन में ताकि यहाँ के आम जो लोग हैं वो लोग इस गार्डन का लाभ ले सके और प्रदूषण दूर हो। प्रशासन प्रसाद अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा बिहार। लोगों को सारे लोग मिलकर के मीडिया भाई सभी जो मीडिया ने अपने दायित्व का लोकतंत्र के द्वारा जो ये उनको अधिकार है चौथे स्तंभ के नाते जो मीडिया ने यह जो इस जन आंदोलन प्रजापति।